भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू आज से 2 दिवसीय दौरे पर झारखंड आ रहे हैं। उपराष्ट्रपति रांची और जमशेदपुर में कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। उपराष्ट्रपति के दौरे को लेकर सुरक्षा व्यवस्था पूरी कर ली गई है। सीधा रुख करेंगे, सहयोगी अंजनी इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देंगे। अंजनी, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू का 2 दिवसीय झारखंड दौरा है, आज रांची में और कल जमशेदपुर में कई कार्यक्रम होने हैं, इसे लेकर क्या कुछ तैयारी चल रही है, सुरक्षा के कैसे इंतजाम देखे जा रहे हैं? देखिए राजदा, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू जो है वायु सेना के विशेष विमान से वो रांची पहुंचेंगे और 2:10 में बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर उनका आगमन है। तो उनके आगमन को लेकर पुलिस प्रशासन, ट्रैफिक विभाग और जिला जो प्रशासनिक पदाधिकारी हैं, तमाम तरह का जो मॉक ड्रिल है सभी हो चुके हैं और तमाम तरह की जो तैयारियां हैं सुरक्षा को लेकर वो भी तय हो चुका है। और जो रूट होगा बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से हरमू बाईपास होते हुए राजभवन आगमन है और राजभवन में रात्रि विश्राम भी करेंगे। तो राजभवन लगभग वो 2:45 के आसपास वो राजभवन में वो प्रवेश करेंगे, तो उसको लेकर पूरी तैयारी हो गई है। और राजभवन से लेकर बिरसा मुंडा एयरपोर्ट तक जो है सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था किए गए हैं और उस वक्त जो है जब काफिला जब चलेगा तो सभी रूट जो है वो खाली कर दिए जाएंगे। तो क्योंकि उपराष्ट्रपति का आगमन है तो उसको लेकर व्यापक जो तैयारियां हैं वो पूरी हो चुकी हैं। और राजभवन से वो लगभग 4:05 पहले, मतलब 3:55 पर राजभवन से वो निकलेंगे। राजभवन से निकलकर मोराबादी स्थित आर्यभट्ट सभागार पहुंचेंगे, वहां लगभग आधे घंटे तक वो IIM के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और इसमें अपना जो स्पीच है, जो व्याख्यान माला है, गुड गवर्नेंस को लेकर किया गया है, तो इंडिया में क्या मौजूदा स्थिति है, तो वो अपने विचार रखेंगे। इस मौके पर जो है राज्यपाल डॉक्टर द्रौपदी मुर्मू भी शामिल रहेंगी और IIM के जो रांची के जो निदेशक हैं शैलेंद्र सिंह वो मौजूद रहेंगे और IIM के जो अध्यक्ष हैं प्रणव वो मौजूद रहेंगे। तो एक भव्य आयोजन है, बड़ा आयोजन है। और आधे घंटे के बाद वो राजभवन उनकी वापसी है और राजभवन में जो है रात्रि विश्राम करेंगे। हम तमाम दर्शकों को यहाँ बताना चाहेंगे राजदा, आज जो है आज का दिन जो है ये राजभवन का गार्डन खुला रहना था, लेकिन उपराष्ट्रपति के आगमन की वजह से आज की जो तिथि है उसे शिफ्ट कर दिया गया है, 23 तारीख का दिन तय किया गया है। तो उस दिन जो है राजभवन का गार्डन जो है आम आदमी के लिए खुला रहेगा, तो आज बंद रहेगा। तो ये रांची में जो उनका कार्यक्रम है वो बताए। और उसके बाद 17 तारीख को जो है उपराष्ट्रपति जो है जमशेदपुर के लिए रवाना होंगे और वहाँ जमशेदपुर टाटा शहर के 100 साल पूरे होने के मौके पर एक डाक टिकट जारी करेंगे और XLRI जो वहाँ मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है वहाँ एक कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। और 4:17 के शाम जो है बिरसा मुंडा एयरपोर्ट वापस लौटेंगे और फिर वहां से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। तो झारखंड जो दौरा है 2 दिनों का है और ये हम जरूर कह सकते हैं कि ये जो दौरा है कहीं ना कहीं शिक्षा से जुड़ा है और ऐसे में शहर के लोग जो है जो शिक्षाविद हैं, तमाम लोग जो है इस मौके पे शामिल रहेंगे। चलिए, तो जो आज राजभवन जाने वाले लोग हैं वो ना जाए क्योंकि आज ये बंद रहेगा। और दूसरी बात ये अंजनी कि उपराष्ट्रपति के आगमन को लेकर सुरक्षा व्यवस्था कैसी दिख रही है? देखिए, ये लगभग 1 सप्ताह पहले से ही तमाम तरह की जो है तैयारियां चल रही थी और कल भी जो है मॉक ड्रिल चला है। और राजभवन से ये बिरसा मुंडा एयरपोर्ट का जो मार्ग होगा वहां सुरक्षा व्यवस्था काफी चाक चौबंद व्यवस्था है, तो सुरक्षा कहीं से भी कोई परिंदा पर नहीं मार सकता है, तो सुरक्षा बेहतर है। और एक सुरक्षा का जो कारकेड है वो पूरी तरह से व्यवस्थित है और कई लेयरों में सुरक्षा होती है,
तो सुरक्षा बेहतर है राजधा, क्योंकि रांची की भी प्रतिष्ठा की बात है और मोस्ट वीआईपी है, तो वैसे में सुरक्षा जो है बेहतर है और कहीं से भी किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं। यही है कि जब काफिला जब एयरपोर्ट से निकलेगा तो उस वक्त कुछ देर के लिए जो है जिस रास्ते से काफिला आगे बढ़ता जाएगा वहां के रास्ते जो है बंद रहेंगे। तो तमाम दर्शकों को हम बताना चाहते हैं कि यदि हरमू बाईपास रोड यदि आपको 2 बजे के बाद आना है तो आप थोड़ा परहेज करें, और उससे पहले यदि आपको इस इलाके में कुछ काम है तो आप पहले ये काम करके निकल जाएं, क्योंकि जब मूवमेंट होगा तो रास्ते बंद रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अंजनी ये महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। तो आज उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू का 2 दिवसीय झारखंड दौरा है, आज रांची में कई कार्यक्रम में शिरकत करेंगे उपराष्ट्रपति। रात्रि विश्राम भी यही राजभवन में होगा और उसके बाद जमशेदपुर के लिए कल रवाना होंगे और वापस कल दिल्ली भी इनकी वापसी होनी है।